हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एबी स्टॉक्स में है तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से एक डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस उसमें लगाए हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा अंत में। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाने के सारे प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आप सीख सकते हैं कि अपने होल्डिंग स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहां पर हमने मोबाइल में एमी स्टॉक्स की एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद तो अब आपने जिस भी स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर रखा हुआ है उसको देखने के लिए यहां पर आपको नीचे की ओर पांचवा ऑप्शन पोजीशन वाले में क्लिक कर लेना है। पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, तो मैंने पिनबैक स्टॉक्स में पोजीशन बना के रखा हुआ है यहाँ पास एक क्वांटिटी में। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको पोजीशन में आकर जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा शो मोर का, तो यहाँ पास आपको शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर टाइप में दिख रहा है स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इन्हीं दोनों ऑर्डर का यूज करना होगा। या तो आप स्टॉप लॉस लिमिट का यूज करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या तो आप स्टॉप लॉस मार्केट का यूज करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आपका प्रोडक्ट टाइप जो आपने बाय किया था उसी में पहले से सेलेक्ट रहेगा। हमने इन्वेस्टर में बाय किया था तो पहले से इन्वेस्टर सेलेक्ट है। और रही बात क्वांटिटी की, तो मैंने यहाँ पर सेक क्वांटिटी बाय करके रखा था तो यहाँ पर सेक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कम क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे कि अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय करके रखा है और अगर आप चाहते हैं कि आप 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पास क्वांटिटी एक ही बाय करके रखा था तो यहाँ पास एक ही क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। हम यहाँ पास क्वांटिटी घटा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर टाइप की। अब ऑर्डर टाइप को मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ऑर्डर टाइप में अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस के साथ मार्केट प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, अब इसका मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पास हम स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करने के बाद जैसे कि पीएनबी का प्राइस चल रहा है 89.70। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 85 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में 85 रुपये लिख लेना है और सिंपली सेल बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो दोस्तों, आप स्टॉप लॉस मार्केट में इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पास 85 रुपये में हमारा पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा और वहाँ पास आसपास जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस की। अब स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस भी डालना होता है, ट्रिगर प्राइस भी डालना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम चाहते हैं कि 85 रुपये में आएगा तब इसको सेल करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में 85 रुपये लिखना होगा। आपको लिमिट प्राइस में 85 रुपये लिख लेना है। उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होगा, जैसे कि चाहे वो 5 पैसा का बढ़ाओ फिर 10 पैसा का बढ़ाओ, चाहे आप चाहते हैं तो आप 1 रुपये का भी बड़ा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 10 पैसा का बड़ा लिख लेता हूँ। मैंने लिमिट प्राइस में 85 रुपये लिखा और ट्रिगर प्राइस में 85 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। तो दोस्तों, आप इतना डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों लिखना होता है और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस ही रहता है और ट्रिगर प्राइस में आपको सिंपली अपने स्टॉप लॉस प्राइस लिखना होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में 85 रुपये 10 पैसे में आपका पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पास लिमिट प्राइस में आपका पोजीशन सेल हो जाएगा। और वहीं स्टॉप लॉस मार्केट में उल्टा था। स्टॉप लॉस मार्केट में आपका ट्रिगर प्राइस में आपका एक्सचेंज को जा रहा था और वहां पास आसपास जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें सेल हो जाता। तो दोस्तों, आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस में स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आपको सिंपली सेल वाले बटन में क्लिक कर देना है। सेल वाले बटन में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पास प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में चले जाएंगे या फिर आप बैक करके भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पास बैक करके जाएंगे तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में जाएंगे तब आपका स्टॉप लॉस दिखेगा। आपको स्टॉप लॉस दिखेगा किस में? आपको पेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, पेंडिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं पीएनबी का हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है सेल के लिए, जो कि लगा हुआ है एक क्वांटिटी 85 रुपये के लिए। तो हमने जो एक क्वांटिटी बाय किया था वो पीएनबी का प्राइस 85 रुपये आते ही वो सेल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है? तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली से पेंडिंग ऑर्डर में आकर जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चार ऑप्शन मिलता है, उसमें से चौथा ऑप्शन है मॉडिफाइड का। तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको प्राइस को सिंपली मॉडिफाइड करना होगा और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि पीएनबी का प्राइस जब भी गिरकर 82 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। मैंने पहले 85 रुपये के लिए लगाया था, अब मैं इसको 82 रुपये के लिए लगाऊंगा। तो हम यहाँ पास प्राइस में 82 रुपये लिख लेते हैं।
प्राइस में 82 रुपए लिखने के बाद हमें ट्रिगर प्राइस को फिर से चेंज करना होगा। फिर से हमें वही फंड अपनाना है, 5 या 10 पैसा कहीं बड़ा रखना है। आप चाहते हैं तो 1 रुपए का भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 10 पैसा कहीं बड़ा रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में लिखा 82 रुपया और ट्रिगर प्राइस में लिख लिया 82 रुपया 10 पैसा। तब हम यहाँ पर सिंपली सेल वाले बटन में क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर सोया तो व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे या फिर हम बैक जाकर देख लेंगे। तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर 85 रुपए के लिए लगा था अब यहाँ पर 82 रुपए के लिए लग चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले हमारा ऑर्डर यहाँ पर 85 रुपए के लिए लगा था एक क्वांटिटी में, अब यहाँ पर 82 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को आसानी से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए फिर से आपको इस पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कैंसिल का, तो उस कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है और यस बटन में क्लिक कर लेना है, तो आपका स्टॉप प्लस यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर यहां पर 0 शो कर रहा है, पहले पेंडिंग ऑर्डर हमारा पीएनबी का शो कर रहा था वो अब यहां पर शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप एग्जीक्यूटेड में जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा ऑर्डर जो पीएनबी में सेल के लिए स्टॉप लॉस के रूप में लगा हुआ था वो यहां पर कैंसिल करके शो कर रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस यहां पर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।